नमस्कार तमाम भट्टू दर्पण न्यूज़ चैनल दर्शकों को। अगर आप भट्टू दर्पण न्यूज़ चैनल के समाचारों के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें व शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94-666-91-540। आज के मुख्य समाचार। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भट्टू मंडी की संचालिका गीता दीदी ने सूर्य स्कूल सदलपुर में बच्चों को प्रवर्तन देते हुए कहा कि यदि व्यक्ति राजयोग सीख ले और निरंकार निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान ले ले तो हर प्रकार का नशा सेकंड में छोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा परमपिता परमात्मा को याद करें तो हर परिस्थिति में वह साथ खड़ा मिलता है और व्यर्थ की टेंशन से बच सकता है। आज युवाओं में जो जीव हत्या की प्रवृत्ति चल रही है वह भी हर हालत में परमात्मा को याद करने से नष्ट हो जाती है। डॉक्टर एनडी शर्मा ने कहा कि एक बीड़ी पीने से 3 से 5 मिनट की जिंदगी कम हो जाती है और एक सिगरेट पीने से 9 से 11 मिनट की जिंदगी कम होती है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटे से नशे को से इतना नुकसान होता है तो बड़े बड़े नशों से कितना नुकसान होता होगा। उन्होंने कहा कि चिट्टा यानी हेरोइन का नशा इस क्षेत्र में युवाओं के बीच पाव पसार रहा है। आज चिट्टे जैसी बुराई युवा पीढ़ी का सत्यानाश कर रही है। इस चिट्टे जैसी नशे की आदत को लोगों को छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा नशा छोड़ने के उपाय बताते हुए कहा कि यदि व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले तो बड़े से बड़ा नशा भी आराम से छोड़ सकता है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुरेंद्र जादूदा शिवचंद्र सिंह सहित अनेक अध्यापक मौजूद रहे। गांव सुड़ीखेड़ा में खेत की मेंढ को लेकर हुए झगड़े में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार प्रथम पक्ष के में घायल महेंद्र निवासी सुड़ीखेड़ा ने आरोप लगाया कि खेत के ढोल के विवाद को लेकर के उस पर कृष्ण कुमार राय सिंह व रुकमा ने हमला कर घायल कर दिया। वहीं रुकमा ने आरोप लगाया कि उस पर संदीप महेंद्र व प्रिंस ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर झगड़ा करने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।